बुलंदशहर की पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान हरियाणा के सोनीपत से अवैध रूप से लाई जा रही शराब की खेप पकड़ी है। कार्यवाही के दौरान 282 पेटी शराब पकड़ी गई है और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार लोधी की रिपोर्ट। तहसील कैसे सप्लाई करते थे, कौन कराता था, क्या रोल है तुम्हारा इसमें? जी मेरा रोल है गाड़ी चलाने का, मेरे को 2000 मिलते थे गाड़ी चलाने के। अम्बाला से लेके यहाँ तक छोड़ने के 2000 मिलते थे। जब माल किसका था ये, कहाँ तुम लेकर? माल साहिल का था। कितनी बार लेकर के आए हो अब तक? 2 दफे लेकर। तो कहाँ कहाँ छोड़ा तब तक पहले? सियाणा। तुम्हें छोड़ने के कितने रुपए दिए जाते हैं? 2000 रुपये। कितनी मात्रा में शराब पड़ा? देखिए, काफ़ी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि हरियाणा राज्य से अवैध शराब यूपी में ला के बेची जा रही है, और कई बार इस तरह की भी सूचनाएं थी कि सरकारी ठेकों पर भी इनकी सप्लाई के संबंध में कुछ लोग अब सूचना उपलब्ध करा रहे थे। इसी क्रम में जनपद की स्वाट टीम के द्वारा अनवरत प्रयास किया जा रहा था, और उसी क्रम में बीती रात एक कैंटर आयसर कैंटर गाड़ी हरियाणा नंबर की वो रोकी गई, और उसमें 282 पेटी मिस इंडिया देसी शराब हरियाणा प्रदेश की निर्मित है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए के आसपास है, वो बरामद की गई। इसमें 2-3 चीज़ें उल्लेखनीय हैं। एक तो ये कि जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसने बताया कि उसके द्वारा जो शराब लाई गई थी, इसे सयाना क्षेत्र में एक सुमित नाम का व्यक्ति है जिसके गोदाम पर उतारना था, सीमेंट का गोदाम है, और 2 लोग जो शराब के सप्लायर और ठेकेदार हैं इस जनपद के, एक अमित प्रताप सिंह जो मुरादाबाद का है, सयाना में CL2 का लाइसेंसी है, पूरे जनपद में सरकारी शराब की आपूर्ति करता है, उसका इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा शराब के ठेकों का लाइसेंसी अजीत नाम का व्यक्ति है। अजीत और अमित ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, इन्हीं दोनों के द्वारा वो शराब मंगाई जाती थी, और संभव है कि शराब का मिसयूज शराब के ठेकों पर भी किया जाता हो। इस पे बारकोड भी पाया गया है, उस संबंध में भी हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।